इसी सकरे रस्ते के माध्यम से सभी भक्तगण यहाँ आते हैं और आके माँ योग माया के दर्शन करते हैं। तो ये योग माया का कमाल है कि 6 महीने की एक रात्रि हुई है और सूर्य चंद्र सब खड़े रह गए, देख प्रभु की माया, उसी का नाम योग माया है। और बहुत ही सुगम और बहुत ही प्राचीन माँ योग माया का स्थान है। तो यहाँ शांत भाव से आप जो दर्शन कर रहे हैं, शांत भाव से माँ विश्राम कर रही है, कोई डिस्टर्ब ना करे, केवल नवरात्रि में ही सबको यहाँ दर्शन है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। हम आपको ब्रज के तमाम भक्त और मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में लेकर आए हैं जो वर्ष में सिर्फ 2 बार खुलता है। आखिर 2 बार ही क्यों खुलता है और किसके दर्शन होते हैं इस मंदिर में, आइए आपको ले चलते हैं। ये मंदिर की सीढ़ियां हैं, ऊपर चलते हुए देखेंगे तो ऊपर की साइड रास्ता है सीढ़ियों चलते हुए, और सीढ़ियों के चलते चलते ऊपर पहुँचेंगे तो मंदिर में पहुंच जाएंगे। इस मंदिर में साल में 2 बार तमाम भक्त आते हैं और दर्शन करते हैं। हम सीढ़ियों से ऊपर चल रहे हैं और मंदिर में पहुंच रहे हैं। देखिए, ये देखेंगे काफ़ी पुराना मंदिर है और इसका महत्व जानेंगे कि आखिर इस मंदिर का क्या महत्व है और कब यहाँ पर जो देवी हैं वो प्रकट हुई थी। हमारे साथ मंदिर के सेवायत हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या है इस जगह का महत्व। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर शर्मा। श्याम जी, हम जहाँ स्थान पर खड़े हैं, ये कौन सा स्थान है और क्या इसकी महत्वता है? ये वृंदावन का सुप्रसिद्ध स्थान है, हमारे गोविंद देव जी का मूल प्राकृतिक स्थान है और गौमा टीला में स्थित श्री योग माया देवी हैं। जहाँ हम लोग खड़े हैं ये बहुत ही वृंदावन का परम पावन और सिद्ध स्थान है और गुप्त स्थान है। गुप्त क्यों है? क्योंकि यहाँ वर्ष में 2 बार ही सबको दर्शन होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं, जा रहे हैं और देवी माँ जो है नीचे पाताल में विराजमान हैं। आइए आपको हम अब नीचे ले चलते हैं और ये देखिए कितना सकरा रास्ता नीचे जा रहा है। ये नीचे की सीढ़ियाँ हैं और आप देख रहे हैं इसी सीढ़ियों से एक एक करके भक्त आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। ये भक्तगण दर्शन करके बाहर आ रहे हैं और जब धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल जाते हैं तब फिर धीरे धीरे इसी रास्ते से भक्तगण दर्शन करने अंदर जाते हैं। योग माया क्यों कहा गया है इन्हें? ये भगवान श्री कृष्ण की सिस्टर हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और नंद बाबा के यहाँ योग माया का प्रादुर्भाव हुआ। आइए, योग माया का जब प्रादुर्भाव हुआ है, हाँ सर, देखिए कितना सकरा सकरा रास्ता है। आप लोग देख रहे हैं कितना सकरा रास्ता है। इसी सकरे रास्ते के माध्यम से सभी भक्तगण यहाँ आते हैं और आके माँ योग माया के दर्शन करते हैं। ये जमीन के अंदर है तो इसलिए पाताल देवी इतना नाम। हाँ, ये पाताल देवी है क्योंकि तीनों लोकों में पाताल लोक नीचे है, इसलिए माँ जमीन के अंदर यहाँ विराजमान है। पहले भक्तों को दर्शन करा दें कहाँ? हाँ, पर पहले आइए भक्तों को दर्शन कराते हैं। ये जो सामने देख रहे हैं ये गोविंद देव जी का प्राकृतिक स्थान है। यहाँ से गोविंद देव जी प्रकट हुए थे और प्रकट होने के बाद यहाँ से फिर बाद में जयपुर चले गए। जो आप जयपुर में देखेंगे भव्य विशाल जो दर्शन है, इधर आप देखेंगे ये माँ योग माया का स्वरूप है। देखिए कितना सुंदर स्वरूप है और ऐसा कहा कहते हैं कि साल में सिर्फ 2 बार ही माँ के दर्शन होते हैं। आप भी दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य महसूस कीजिए। ये भगवान श्री कृष्ण की बहन है, सिस्टर बहन है, और यहाँ पर ये पाताल में, क्योंकि सबसे 3 लोकों में से पाताल सबसे नीचे कहा गया है, तो इस ये धरती के नीचे हैं। अगर बात करें पंडित जी, इनकी यहाँ पर कैसे प्रकट हुई थी? यहाँ पर ये ब्रह्म कुंड से रूप गोस्वामी जी को प्राप्त हुई थी। यहाँ 2 देवी हैं, उस तरफ वृंदा देवी है, इस तरफ योग माया है जहाँ हम लोग खड़े हैं। तो यहाँ योग माया रूप गोस्वामी, पहले नीचे हमारे मंदिर के यमुना जी बहती थी 400 साल पहले, अभी यमुना जी धीरे धीरे पीछे चली गई। तो रूप गोस्वामी नित्य प्रति ब्रह्म कुंड में स्नान करने जाया करते थे। वहाँ से उनको 2 श्री विग्रह प्राप्त हुए, एक श्री विग्रह श्री योग माया का, एक श्री विग्रह माँ वृंदा देवी का। वृंदा देवी काम बन चली गई और योग माया यहाँ पर आप जो दर्शन कर रहे हैं ये स्थित हैं। कब से यहाँ पर स्थित हैं ये? तब से ये मंदिर बना है, उससे पहले श्री रूप गोस्वामी पाद को स्वप्न आदेश के द्वारा ब्रह्म कुंड से श्री
योग माया प्राप्त हुई थी। तो रूप गोस्वामी यहाँ शांत भाव से विश्राम कर रहे थे। एक और बहुत ही रहस्य की बात है, जब वृंदावन में महारास हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने रास किया। जिस समय रास किया तो सूर्य चंद्र सब खड़े रह गए, देख प्रभु की माया, उसी का नाम योग माया है। तो सारे काम तो भगवान श्री कृष्ण नहीं करेंगे, प्यारे श्याम सुंदर ने बंसी बजाई। जैसे ही बंसी बजाई सारी गोपियाँ आई, तो देखा कि बंसी बजाई सारी गोपियाँ अपने सब कार्य छोड़ के जब चली आई, सुई प्रातः होने वाला है। जैसे ही प्रातः होने वाला तो भगवान ने योग माया का स्मरण किया है, और योग माया मुपाश्यते ऐसा भागवत में लिखा है। तो योग माया का जैसे ही भगवान ने आह्वान किया, योग माया हाथ जोड़ के आई, बोले भगवान क्या आज्ञा है? बोले मेरे यदि प्रातः हो जाएगा तो मेरा महारास अधूरा रह जाएगा, इसलिए चंद्रमा को रोको, सूरज को आने मत दो। तो ये योग माया का कमाल है कि 6 महीने की एक रात्रि हुई है और सूर्य चंद्र सब खड़े रह गए, देख प्रभु की माया, उसी का नाम योग माया है। तब भगवान ने 6 महीने की एक रात्रि में भगवान ने अपना महारास पूरा किया। अब जब रासलीला पूरी हो गई तो सबको कुछ ना कुछ इनाम स्वरूप कुछ दिया जाता है। तब माँ बोली कि मुझे विश्राम चाहिए, तो बोले जाओ तुम गोमा टीला में जाके विश्राम करो। तो यहाँ शांत भाव से आप जो दर्शन कर रहे हैं, शांत भाव से माँ विश्राम कर रही है, कोई डिस्टर्ब ना करे। केवल नवरात्रि में ही सबको यहाँ दर्शन है, भक्तगण जैसा कि आप देख रहे हैं आ रहे हैं, और यहाँ साधना स्थली है। यहाँ देश के विदेश के लोग आके आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं, बड़े शांत भाव से यहाँ अनुष्ठान करते हैं, बैठ के अपनी शांति का अनुभव करते हैं। और यहाँ दिव्य आप ऊपर देख रहे हैं दुर्गा सरस्वती का पाठ हो रहा है, और 3 दिन ये वर्ष में माँ खुलती है। और जो भी यहाँ दर्शन करता है जो भक्त, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है? हाँ, उसकी हर मनोकामना पूरी करती है, क्योंकि ये तो स्वयं योग माया है, जीवन का ये योग है, वो सारे योगों का पूर्ण करने वाली माँ योग माया है। तो ये आपने जो सिद्ध स्थान देखा है, और बहुत ही सुगम और बहुत ही प्राचीन माँ योग माया का स्थान है। और अभी आप देख रहे हैं भक्तों की कतार लगी हुई है, सभी भक्तगण दर्शन करने आ रहे हैं, और भीड़ बराबर चल रही है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारे आचार्य जी श्री सुनील शास्त्री जी यहाँ दुर्गा सरस्वती का पाठ कर रहे हैं, जो कि हर वर्ष में 2 बार जब नवरात्रि आती हैं तो हर साल हमारे आचार्य जी यहाँ पाठ करते हैं। पाठ के बाद में यहाँ आप ये हवन कुंड देख रहे हैं, इस हवन कुंड में 9वें दिन यहाँ दुर्गा सरस्वती का हवन होगा, और उसके बाद में यहीं पर इसी प्रांगण में कन्या लांगुरा का भोज का आयोजन किया जाता है। सारे हमारे जो गोविंद घेरा के छोटी छोटी कन्याएं हैं, सबको बुला के सबको यहाँ बिठाल के हलवा चना और पूरी और सब्जी का प्रसाद हम लोग ग्रहण कराते हैं, और यथा योग जो भी होता है उनको हम लोग उपहार और दक्षिणा स्वरूप माँ को दे के उनको प्रणाम करके फिर विदा करते हैं। फिर कहते हैं माँ फिर अगली वर्ष इसी प्रकार कृपा करो, और इसी प्रकार भक्तों पर कृपा बनी रहे, और फिर ऐसे ही दर्शन खुलते रहे और आयोजन होता रहे। राधे 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 राधे। देखिए अब तक हमारे साथ रहे सेवायत, जो जिनका कहना है कि सिर्फ 2 बार साल में मंदिर खुलता है, और भगवान श्री कृष्ण की बहन है जो यहाँ पर तपस्या कर रही हैं, क्योंकि तपस्या साइड में ही होती है, एकांत में होती है, एकांत होने के कारण पाताल में यहाँ पर ये तपस्या आज भी कर रही हैं, और तमाम भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए माँ को मनाने के लिए आते हैं। राधे राधे, राधे।